हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है। वहीं कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जहां बाजारों में एक तरफ कोरोना का खौफ है तो दूसरी तरफ दुर्गा पूजा की तैयारी। इन सबके बीच जिला प्रशासन हर स्तर पर सामंजस्य स्थापित करने में जुटी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। इधर दुर्गा पूजा को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। शहर के बाजारों में पूजा की खरीदारी को लेकर भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में भीड़ को कम करने और सरकार की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन सख्त रुख अपना रही है। वैसे प्रशासन को देखते हुए दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। मामला साक्षी बाजार का है, जहां फुटपाथी दुकानदारों एवं पुलिस के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। बाटर लेन में हम लोग कपड़े की दुकान लगाते हैं, यहां पर छोटे मोटे व्यापारी हम लोग कलकत्ता से थोड़ा बहुत माल लाते हैं, 5 से 10 हजार का माल लाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सेल करते हैं। उससे 2-4 सौ रुपये बचे तो हम लोग का परिवार चल जाता है आराम से। हम लोग इतना कमा लेते कि हम लोग का परिवार चल जाता है। यहाँ पर 8 महीने के बाद दुकान खुला है, 6 महीने के बाद फुटपाथ में हम लोग थोड़ा सा चल रहा है रोजगार। यहाँ पूजा का माहौल है, पूजा का माहौल है और बाजार तो सबके मालूम है कि पूजा नहीं हो रही तो उसके लिए बाजार भी नहीं है। लेकिन जो भी चार रोटी पर चल जा रही है हम लोग का मतलब करवाई क्या है कि बोलते हैं कि ये रास्ता है रोड साफ कर रहे हैं। हम लोग 20 साल से 22 साल से लगा रहे हैं, हम लोग दुकान लगा रहे हैं, हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग तो कोई नौकरी वोकरी नहीं है। पुलिस का कहना है कि इससे कोरोना के फैलाव होने का खतरा बढ़ सकता है, तो दुकानदारों का कहना है कि आखिर हम कमाने के लिए क्या करें, वही खरीदार मानने को तैयार नहीं। ऐसे में जिला प्रशासन के समक्ष बड़ी चुनौती आन पड़ी है। हमारी भाषा है, इसके चलते हम लोग क्लियर कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासनिक सख्ती को देखते हुए दुकानदार ही बैकफुट पर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर यही रवैया रहा तो निश्चित तौर पर फुटपाथी दुकानदारों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ सकता है। हालांकि जिला प्रशासन इस मामले में दुकानदारों को सख्त निर्देश देते हुए दुकान में भीड़ कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पर लगी है।